हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और स्वागत है आपका बनारसी जायका में। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बेल का शरबत। बेल का शरबत जो है बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होता है। इसे सुबह या दोपहर में पीना फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि इस समय बेल का जूस पीने से कई बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन भूलकर भी इसका सेवन रात में नहीं करना चाहिए। इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है। गर्मियों में जो है कि धूप और लू से ये हमें बचाती है। ये हमारे शरीर में होने वाले पानी की कमी को भी पूरा करती है। इसके सेवन से हमारे स्किन की जो प्रॉब्लम होती है वो भी बहुत सारी दूर होती हैं। बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर के जोखिम को भी कम करते हैं, और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं वो खून में गर्म जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बेल लेना है, इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको जो है किस तरह से पटक कर जमीन पर या किसी चीज़ से आप इसे जो है कि फोड़ लीजिए। इस तरह से इसके सर को फोड़ लीजिए, और फोड़ने के बाद जो है कि इसके शेल को जो है हम अलग कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसे क्या करना है, एक बर्तन में लेकर इसमें करीब हम 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड करते हैं, जिससे इसे भीगने में मदद करेगा। और साथ ही इसमें जो है कि 100 ग्राम के करीब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने से क्या हो जाएगा, इसे हमें बाद में जो है कि घुलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आराम से जो है कि अपने आप घुल जाएंगे। तो चीनी मिक्स करने के बाद क्या करना है, अब हमें इसे 1 घंटे के लिए, 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। तो देखिए, इसे अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं बस, और कुछ इस तरह से जो है मिक्स करने के बाद इसे हम फ्रिज में रख देते हैं। 1 से 2 घंटे के बाद देखिए, हमने इसे फ्रिज में से निकाला है, ये अच्छे से भींग चुके हैं, चीनी अच्छे से घुल चुकी है। कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत हमें अब नहीं करनी है। अब क्या करना है, ये जो शेल है ना, इसके पल्प जो अच्छे से भींग चुके हैं, एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस अब इसे चम्मच की सहायता से जो है कि इसे अच्छे से हम पील करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए, चम्मच लिया हमने और इसे आराम से इस तरह से खुरच खुरच कर बहुत ईजिली ये निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस इसे जो है कि हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारे जो है कि शेल को अच्छे से खाली कर दिया है। यहाँ पे इसके पल को हमने पानी में ही रहने दिया है। अब अपने हाथ को अच्छे से साफ़ किए रहे हम लोगों ने, तो उसे क्या करना है, अच्छे से स्क्वीज करना है, अच्छे से मसल मसल के इसको जो है कि हमें अच्छे से इसके पल्प को मसल देना है, और इसके जो रेशे हैं, बीज हैं, उन सबको हमें जो है कि अब अलग कर देना है। तो देखिए, इसे मैंने अच्छे से एकदम मसल दिया है, इसके रेशे निकलने हैं, ठीक है। बस इन्हीं को हमें जो है कि निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक बड़े बर्तन में एक छन्नी लेंगे, आपके पास जिस तरह के भी छन्नी हो उस साइज़ का बर्तन लेके इस तरह से इसे रख दें। और इसमें क्या करना है, इस शरबत को जो है, इस जूस को है, हम इसमें स्ट्रेन कर देंगे। इसमें हमने इस तरह से जो है कि इसे छान लिया, धीरे धीरे आराम से डालेंगे। और देखिए, इस तरह से जो है कि हमारे सारे बीज, सारे रेशे जो है कि अलग हो गए हैं। अब इसे क्या करना है, थोड़ा और अच्छे से रगड़ रगड़ के इसे जाली के ऊपर ही हम इसे जो है कि और इसका पल्प निकालेंगे। बाकी बचे हुए जो ये रेशे हैं, वापस से एक बर्तन में, उसी बर्तन में मतलब लेकर थोड़ा पानी और ऐड करेंगे, वापस से इसे मसल मसल के थोड़ा और अच्छे से इसका पल्प निकालेंगे। उसके बाद वापस से ये जो है कि इस पानी को हम स्ट्रेन कर लेंगे। तो ये देखिए, इसे दोबारा से मैंने स्ट्रेन किया। अब इस बचे हुए रेशे को हमें क्या करना है, बस अच्छे से निचोड़कर फेंक देना है, ये हमारे किसी भी यूज़ के नहीं हैं। तो बस ये हमारा शरबत तैयार है, और ये बीज जो है रेशे निकल चुके हैं। अब इस जूस में हमें क्या करना है, 2 नींबू के जूस को हम इसमें ऐड करेंगे। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, कभी भी आप जब नींबू लें तो इसे अच्छे से जो है ना, मतलब थोड़ा मल मल कर, जैसे इस तरह से दबा दबा कर इसको सॉफ्ट कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे जो जूस होता है ना एक्स्ट्रा निकलता है, मतलब अच्छे से निकल आता है। तो यहाँ पर मैंने 2 नींबू के जूस मैंने इसे ऐड किया है। बस इसे अच्छे से मिक्स करना है, और एकदम चिल्ड हमें इसे सर्व करना है। तो हमारा शरबत जो है कि रेडी हो चुका है। ये बहुत ही गुणकारी शरबत है, इसे गर्मियों में ज़रूर पीना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। आप चाहे तो इसमें गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, खांड यूज़ कर सकती हैं, या फिर मिश्री भी यूज़ कर सकती हैं। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं इसकी मिठास को। कुछ लोग पतला पीना पसंद करते हैं जूस, कुछ लोग गाढ़ा, तो उस हिसाब से आप पानी भी इसमें एडजस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब एक ग्लास में हमने आइस क्यूब लिया है, और इससे जो है कि इसमें हम अपना जूस जो है कि पोर करेंगे, और अच्छे से चिल चिल एकदम इसे सर्व करेंगे, और इसको इंजॉय करेंगे।
तो ये देखिए हमारा शरबत बनकर रेडी हो चुका है। तो आप भी पीजिए सबको इस तरह से और पिलाइए सभी को और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिलते रहे। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके साथ लेकर आती रहूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय, आप लोग ऐसे ही इन्जॉय कीजिए।